अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम जो है ना वो अपने करेक्टर को मूव करना सीखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसके लिए मैं जो है ना सबसे पहले हम जो है ना वो पिंटरेस्ट जो है ना वो डाउनलोड कर लेंगे। पिंटरेस्ट में जाएंगे, वहाँ पर बैकग्राउंड का हम सीखेंगे, सही है। इसके लिए आपको पिंटरेस्ट जो है ना वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहाँ पर जो है ना आपको हर तरह के बैकग्राउंड और काफ़ी एग्ज़ाम के बैकग्राउंड मिलेंगे। जैसे अगर आप जंगल लिखेंगे ना, जैसे मैंने होम कार्टून बैकग्राउंड लिखा है ग्रीन, इसमें तो लिखना ज़रूरी नहीं है खैर, तो इसमें हर किस्म का रूम का अलग आएगा, हाउस बाहर का अलग आएगा, हर किस्म का जो है ना वो बैकग्राउंड आ जाएगा, सही है। ऊपर आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं कि विलेज टाइप का चाहिए, पुअर गरीब आदमी का चाहिए, इन साइड से चाहिए आपको घर, नाइट का एरिया चाहिए, जैसे नाइट हुई हुई है, तो आपको हर किस्म का जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर्स मिलेंगी यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और मुझे तो खैर बहुत अच्छी लगती है ये ऐप। तो आइडियाज़ मिल जाते हैं यहाँ पर, अगर आप कोई भी क्राफ्टिंग का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जंगल लिखा, तो जंगल में हर किस्म का आ गया है यहाँ पर, जंगल के लिए लिखने के लिए आ गया है, और जो है ना जंगल आ गया है जहाँ पर आपको कुछ बनाना है मूवी वगैरह। मैंने जो है ना वो बैकग्राउंड यहाँ से ही लिया था, टॉम एंड जेरी की पिछली वीडियो में जो बनाई थी मैंने, वो यहाँ से ही ली थी। तो ये घर भी देखिए बना हुआ आ रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं, आपको किस किस्म की चाहिए आपको बस वो नाम लिखना है, बैकग्राउंड कार्टून ज़रूर लिखना है ताकि कार्टून करेक्टर में आए। तो कार्टून आपको ज़रूर लिखना है ताकि कार्टून करेक्टर में आए, इसे वरना तो इसमें हर किस्म के बैकग्राउंड वगैरह होते हैं, हर किस्म की हर चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब हमने डाउनलोड करने के बाद जो है ना फिर हम लोग गए इन शॉर्ट पर गए, वहाँ पर जो है ना हमने अपनी वीडियो क्रिएट करनी थी। तो वीडियो क्रिएट करने के बाद हम लोग ने जो बैकग्राउंड हमने अपना डाउनलोड करा हुआ था, मैंने एक रोड का भी बैकग्राउंड डाउनलोड करा हुआ था, रोड का बैकग्राउंड हमने लिया, और हमने जो है ना ऑप्शन हमने रोड के बैकग्राउंड का लिया। तो हमने जो है वो रोड को इतना बड़ा करना है जितना कि हमारी वीडियो है, ठीक है। पहली बात तो ये, वो आगे ऊपर ही था, मैं आगे ढूंढ रही थी, तो रोड को हमें इतना ही बड़ा करना है जितना कि हमारी वीडियो हैगी, सही है। मैंने अभी अंदाज़े के मुताबिक कर लिया है, फिर जब हमारी वीडियो आएगी उसके मुताबिक हम लोग शॉर्टकट करेंगे, सही है। फिर PIP बना हुआ है, हम वहाँ पर जाएंगे, हमें पिप पे जो है ना वो क्लिक करना है, और यहाँ से हमें उस कार्टून को जो है ना वो जिसको मूव करवाना है हमें, वो कार्टून जो है हम लेंगे। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, अगर मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है तो मैं नीचे ही बना हुआ है इसके स्क्वायर के, तो वहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज कर लूँगी। और पिछली ही वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्रोम में जाके उसके आगे पिप के ऑप्शन आ जाएंगे, और उसको आगे की तरफ जब हम मूव करेंगे तो फिर जो है हमारा वो मूवमेंट का आ जाएगा, वो ग्रीन स्क्रीन को मिटाने का आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये हम मैंने कर बनाया हुआ है की फ्रेम पे, की फ्रेम को हम दगाएंगे, और जहाँ जहाँ हमें इसकी गाड़ी मूव करनी है वहाँ पे लेकर जाएंगे, फिर नीचे से थोड़ा सा आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, फिर जो है ना अपनी कार को आगे बढ़ाएंगे, नीचे से स्क्रॉल करेंगे और ऊपर से कार को बढ़ाएंगे, इस तरह से हम करते जो है ना हमें अपनी करैक्टर को जहाँ तक लेकर जाना है हम अपने करैक्टर को वहाँ तक लेकर जाएंगे, और ये हमारी इजीली जो है मूवमेंट हो जाएगी। इसमें इजी आप किसी भी किस्म के कार्टून को चलाना चाहते हैं कि वो चल रहा है, ये इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है इन शॉर्ट में। इसके अलावा मैं आपको फिल्म फ्लैक्स में भी अपना क्लिप फ्लैक्स में भी सिखाऊँगी कि इस तरह से इसमें कार्टून करेक्टर्स हम लोग अपना बना सकते हैं। ये हमारी पूरी मूवमेंट हो गई है, अब मैं आपको इसको चलाना दिखाती हूँ, ये देखें। तो अब उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, मिलते हैं नई क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।